हेलो हमारे साथ सिद्धांत भी हैं। हम निकल पड़े हमारे ट्रिप के लिए और आज हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल्स और बताते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच गए हैं कौन सा बस स्टॉप है भाई? ये डंडा स्ट्रीट ट्रांसफर बस स्टॉप। डजेंट मैटर, हम गो बस पकड़ के जा रहे हैं नायग्रा और एक गो बस पकड़ के हम आए हैं स्क्वायर वन से, स्क्वायर मिसिसागा से यहाँ पे डंडा स्ट्रीट, और यहाँ से हम पकड़ के सीधे चले जाएंगे नायग्रा फॉल्स। तो टोटल जो जर्नी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स की है, और जैसा कि वीडियो के टॉपिक में है कि भैया $10 में कैसे पहुंचना है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि $10 में आप टोरंटो या मिसिसागा से कैसे जा सकते हैं नायग्रा फॉल्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सो लाइन में पहले खड़े होने का फायदा होता है भाई, तो हम आके सबसे पहले सीट लूटना बोलते हैं ना इंडिया में, जैसे रुमाल रखा ये सीट मेरा है, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे लाइन में इज्जत से खड़ा होना पड़ता है, जो सीट आपको पहले मिला वो आपका। तो हम भाग के सबसे पहले आ गए, ये देखो एकदम फ्रंट में, यहाँ से स्क्रीन पूरा विजिबल है। अभी रास्ते का मजा लेंगे हम मैडम जी और हमारे भाई, राइट? तो आप भी हमारे साथ मजा लीजिए। अभी के फ्रंट में बैठने का मजा ही अलग है, किंग साइज दिखता है सबको, दिखा दो, देखो देखो, टेंशन ही नहीं है एकदम। सो हम नायग्रा के बस स्टॉप पहुंच चुके हैं। सो ये हमारी सवारी थी गो बस, और ये है क्वीन स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से 2 इंटरसेक्शन बाद हम पहुंच जाएंगे लेक के पास। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, और फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली में ये $10 का लॉजिक क्या है। ठीक है ना, बताता हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं कनाडा से यूएस कैसा लगता है। वो देखिए सामने, वो जो जंगल आप देख रहे हैं वो यूएस के जंगल है, और ये जो जंगल है ये कनाडा के जंगल है, और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये नायग्रा, आधा यूएस आधा कनाडा, और ये नायग्रा का पानी है। आगे हम जाके आपको फॉल्स दिखाते हैं, फिलहाल के लिए एज अ फिलर था, एंजॉय। सो हम फाइनली फॉल्स के पास आ गए हैं। ये ब्रिज है, उस पार में यूएस है, लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, ऑब्वियसली सब पासपोर्ट एंड वीज़ा सब चेक करके जाना होता है। फिलहाल हमारे पास वीज़ा नहीं, हम दूर से ही यूएस देख रहे हैं, और ये ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी।
और हमें दूर से ये देखिए, ये यूएस साइड का फॉल्स है राइट। और नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो कनाडा साइड का नायग्रा फॉल्स है वो ज़्यादा सुंदर है राइट। सो दिस इज़ द ब्रिज एंड ये यहाँ से फॉल्स का व्यू। और यहाँ पे होटल्स एंड टावर्स यहाँ के, और ये एक और व्यू ब्रिज का। चलते हैं आगे। सो ये नज़ारा है नायग्रा फॉल्स का, ये यूएस साइड का फॉल्स है और ये है कनाडा साइड का फॉल्स। सो हम अभी ये देखिए यहाँ पे ये बोट सर्विसेज है, आई गेस $33 प्लस टैक्सेस है रेट कनाडा साइड में, और आप इसको अवेल करके फिर लेक के पास सॉरी फॉल्स के पास तक जा सकते हैं। हम वॉक करके जाएंगे और ट्राई करेंगे बिहाइंड द फॉल्स देखने का, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। तो इतने देर चलने के बाद फाइनली हमको टिम हॉर्टन्स दिखा, और ये देखिए दिस इज़ द बिग रिलीफ इन गर्मी। हम तीनों बैठ के अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सो फार। अभी तक हम बिहाइंड द फॉल्स के पास नहीं पहुँचे, ऑन द वे। आज अच्छा खासा वॉक हो गया हमारा। इफ़ यू सी अभी तक हम कितना चल चुके हैं भाई, 5 किलोमीटर्स अभी तक। तो ठीक है, उतना तो हम ऐसे ही चल लेते। तो जो $10 वाला बात था ना, अरे छोड़ो आगे देख लो, लास्ट में बताऊंगा तब मज़ा आएगा। सो फाइनली हम आ पहुंचे हैं कनाडा साइड ऑफ नायग्रा फॉल्स। सो ये खूबसूरत मंजर आपके सामने, मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए बस, और थोड़ा पास से देखते हैं, ये देखिए। ये तेज धाराएं और ये माहौल, और ये बोट से अगर आप जाएंगे तो इस व्यू का भी मजा ले सकते हैं। फिलहाल हमने ये अगले ट्रिप के लिए छोड़ा हुआ है, अगली बार भी आएंगे कुछ ना कुछ होना चाहिए ना एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल हम बिहाइंड द फॉल्स जाएंगे, तो वो देखिए यहाँ पे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से होते हुए हम एक छोटा सा केव है, उस केव से देखेंगे व्यू। सो बने रहिए और देखते हैं हम आगे। क्या हुआ मैडम जी, क्या बोल रहे थे आप बताइए? वाह, आपको कुछ कहना है सर? अभी बिहाइंड द फॉल्स जाने के लिए क्या करना है भाई? पता नहीं,
ये देखो, इसको पता नहीं है ये नीचे जाके फिर ये देखो देखो देखो, एक्चुअली ये मस्त वाला एक बिल्डिंग है, इसमें से हम ही जाएंगे। यहाँ पे वेलकम सेंटर है, शायद यहाँ पे टिकट काटना है हम लोगों को बिहाइंड द फर्स्ट जाने का। चलो जाके पता कर दे कहाँ पे है। देखो टिकट के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा, बट ये व्यू अच्छा था, यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो फिलहाल चलते हैं नीचे और बिहाइंड द फॉल्स के लिए टिकट काटते हैं। क्यों मैडम? बिहाइंड द फॉल्स के लिए टिकट काटते हैं? यस। शक्ल कैसी, पसीने पसीने से हो गई हमारी। और ऐसे देखिए येलो जैकेट, पॉलीथीन वाला, आई मीन सॉरी पॉलीथीन नहीं, रेन कोट। समय समय पे मैं वर्ड्स का इस्तेमाल भूल जाता हूँ। तो ऐसा मिलता है, आप जाके भीगेंगे नहीं और फॉल्स के मिस्ट का आनंद ले सकते हैं। सो आइए चलते हैं और पता करते हैं कहाँ से मिलेगा टिकट्स। ओ इस तरह भाई किस तरफ